साथ शेयर करने वाली हूँ द डर्माकोकी प्रोडक्ट। ये डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड ब्रांड है। द डर्माकोकी वेबसाइट पे जाके आप सारी अपनी इंफॉर्मेशन सारी फिल करके और देन इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। इसकी वेबसाइट पे जाके इसमें एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपको सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है। देन आपकी स्किन टाइप के हिसाब से डॉक्टर आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। प्रोडक्ट मेरी सिस्टर ने यूज की, ये बहुत अच्छा वर्क किए है उस पर, इसीलिए मैं आज आपके साथ ये प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ। इन प्रोडक्ट को यूज करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट एक्चुअल में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। मैं वन बाय वन करके सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगी कि इनका यूज क्या है। वैसे डॉक्टर भी आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बता देते हैं और जो आपके प्रोडक्ट जिस कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आते हैं उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे कैसे आपको यूज करना है। सो गाइस, द डर्माकोकी प्रोडक्ट इस टाइप की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आते हैं। ये सामने से बॉक्स ओपन होता है, इस बॉक्स में इस टाइप से प्रोडक्ट रखे हुए थे। मैंने प्रोडक्ट की आउटर पैकेजिंग को हटा दिया है। बॉक्स पर ये सामने इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं प्रेक पैकेट के बारे में। एंड मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये फॉर्मिंग क्लिंजर। ये फेस वॉश है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। मैंडेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड दिया गया है इसमें। इसमें आप इसको 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड नाइट में। इसका MRP है 349। ये इसमें भी आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये ऐसा फोम निकलता है इसमें। जनरली हम लोग जो फेस वॉश यूज़ करते हैं वो क्रीम लाइक होता है, ये फोमिंग फेस वॉश है तो इसमें इस टाइप का फोम निकलता है। देन मेरे पास है 10% नियासिनामाइड सीरम फॉर एक्ने मार्क्स। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो एक्ने पिंपल्स होते हैं उनको बहुत जल्दी ये मिनिमाइज करता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है इसके लिए। इसका MRP है 599 एंड द डर्माकोकी साइट पे आपको इस पे 20-25% तक का ऑफ मिल जाएगा। देन नेक्स्ट मेरे पास है AHA PHA जेल। ये फॉर एक्टिव एक्ने, जो पिंपल्स निकलते हैं उनको ये निकलने नहीं देता है, वहीं पर सप्रेस कर देता है। और इसकी क्वांटिटी है 30 ग्राम और इसे नाइट में यूज़ करते हैं। ये जो ओपन पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करता है, जो पिंपल्स की वजह से गड्ढे बन जाते हैं उनको भी मिनिमाइज करता है। एंड नेक्स्ट मेरे पास है एस्कोलेंस प्लस जिंक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। इसकी क्वांटिटी 50 ग्राम है। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है आपको स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर आपको ये मॉइस्चराइज़र रिकमेंड करते हैं। ये आपको अप्लाई करना होता है इवनली अपने फेस पर। एंड मैं इन प्रोडक्ट को उस बेस पे बता रही हूँ जिस तरीके से मेरी सिस्टर ने इनको यूज़ किया था। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एंड मेरे पास है ये द डर्माकोकी सनस्क्रीन। यह प्योर जिंक मैट सनस्क्रीन जेल है फॉर सेंसिटिव स्किन के लिए। SPF 30 PA++++। इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम। ये ऑयल फ्री सनस्क्रीन है, इसको लगाने पे बिल्कुल स्किन ऑयली नहीं होती है, स्किन बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होती है। बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन जेल है ये। अगर आप कोई सनस्क्रीन बाय करना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में मेरे पास है ये रेटिनॉल सीरम फॉर स्पॉटलेस स्किन। ये जो पिंपल के स्पॉट्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। डे में सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद नाइट में आपको ये सीरम अप्लाई करना होता है। क्वांटिटी है 30 ml। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग भी बता देंगे कि आपको इन प्रोडक्ट को किस किस तरीके से यूज़ करना है।